अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मानमा बहरेन, जहां पे आज मेरा दूसरा दिन है और आज के व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहरेन का न सिर्फ मानमा का एरिया बल्कि जो है वो आसपास के जो सिटीज़ हैं उनको अच्छी तरह एक्सप्लोर करके इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाया जाए। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बहरेन का आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन मानमा सूक है यहाँ पे, और पीछे आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं इसे कहते हैं जी बाबल बहरेन। और आज के व्लॉग को मैं अकेला नहीं बना रहा, मेरे साथ हैं यहाँ पे हाशिर भाई, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो हाशिर भाई के साथ मिलके हम थोड़ा सा इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करने नाश्ता करने के लिए। अभी तक हाशिर भाई मुझे जितनी जगहों पे लेके गए हैं यहाँ पे खाने बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगता है ये ट्रेडिशनल जगह है। बिल्कुल, तो चलते हैं यहाँ से बिल्कुल इसी एरिया के आसपास में, टू मिनट्स की वॉक है। तो चलते हैं जी और आप लोगों को यहाँ का ट्रेडिशनल बहरेनी नाश्ता दिखाते हैं। चेक करें ये हमारा नाश्ता किस तरह ट्रेडिशनल ईरानियन स्टाइल में एक्चुअली सर्व किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया भाईजान। हमारे सामने आ गया है जी हमारा ट्रेडिशनल बहरेनी नाश्ता। हम यहाँ के जो सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है नाश्ते के लिए, इसका नाम है हाजीज कैफ़े, और मुझे हाशिर भाई ने बताया है कि ये इनके जो फोर फादर्स हैं वो एक्चुअली ईरान से आए थे। तो आपको खाने में जो इन्फ्लुएंस नज़र आएगा ना वो बहुत ज़्यादा जो वो ईरान का होगा, और मुझे लग रहा है कि खाना ज़रा स्पाइसी भी है। बिल्कुल, बहरेन वाहिद अरब कंट्री है जहाँ पर अभी मैंने खाना, अरबी खाना भी आप ट्राई करते हैं तो आप तो शायद कह सकते हैं स्पाइसी बना रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत स्पाइसी होता है और हमारे टेस्ट बड्स के लिहाज से बनाते हैं तो अच्छा लगता है। आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप रोटी देखें ना, इसी रोटी को देखते हुए आपको आइडिया हो जाता है कि ये रोटी आपको बहुत ज़्यादा, मैंने ईरान में जो वीडियोस वगैरह बनाई थी तो सेम उसी स्टाइल में है और बड़ी अच्छी रोटी बनी हुई है। अंदर जो है तंदूर बिल्कुल हमारे जो है वो सामने इन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ पे उधर से निकाल के लेके आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी रोटियाँ ठंडी हो रही हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये ऑमलेट है, अंदर सेवैयाँ डाली हैं। बिल्कुल, इसको अरबिक में कहते हैं बलालीद। ये देखें ये ऑमलेट है और नीचे जो है वो सेवैयाँ टाइप है। मीठा तो नहीं है सेवैयाँ? मीठा जी। अच्छा, तो ये मीठी है सेवैयाँ, खाएंगे तो आपको बताएंगे किस तरह का है। और ये क्या चीज़ है जी? फूल 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 मैंने खाया था जॉर्डन में, आज ये जॉर्डन में है। और इसके अंदर क्या लोबिया होता है ना जी? बिल्कुल, बीन्स के साथ। बीन्स के साथ इधर भी एक ऑमलेट है। बिल्कुल, ये स्पेशल ऑमलेट है यहाँ का। अच्छा, इसके अंदर वो चीज़ और चिली और यहाँ पे आपको देखें जी, ये आई थिंक लैम है जी, ये लैम है और आलू वगैरह डालें। इसके क्या नाम है? इसको कहते हैं नाशिफ लहम। नाशिफ लहम। और लास्ट में हमारे पास हाँ कुछ ये चीज़ है। बिल्कुल फ्रेश चीज़ लग रही है, फ्रेश चीज़ है यहाँ की, और ये जब आप टेस्ट करेंगे ये नॉर्मल चीज़ से बहुत डिफरेंट है। तो हम टेस्ट करके देख रहे हैं ना, ये तो जल्दी से कर सकते हैं। बड़ी लाइट सी है। बिल्कुल, और आपको बहुत सारी चीज़ के अंदर ना बड़ा एक उसका अरोमा सा बड़ा डिफरेंट होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप खा सकते हैं बड़े आराम से, ऐसे लगता है जैसे वो दही में से जो निकाल देते हैं ना, या उसको जो उसका सावरनेस सी होती है। जैसे ये कुछ सैलेड है, जैम 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 ये दोनों, ये जैम और चीज़ जो है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैंने जैम और चीज़ पहले कभी नहीं खाया मिला के, तो आज खाएंगे। वेरी स्पेशली महियावा, यू नो, या क्या चीज़ है? ये है जी महियावा, जो आपने पिछले दिनों भी खाया था, फिश सॉस। अच्छा जी, फिश सॉस है हमारे सामने। और लास्ट में हमारे पास चाय, यहाँ पे आपको सुलेमानी चाय, जो उर्दू वाली हो, क्या उर्दू वाली कह रहा हूँ
दूध वाली चाय है वो भी आपको मिलेगी, लेकिन हमने कहा कि यही मंगवाते हैं, अरब खाना खा रहे हैं साथ ही सुबह। तो चले जी आशा भाई, बिस्मिल्लाह करें, किससे स्टार्ट करें? इंशाल्लाह सब चीज़ पसंद है, सब बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप उर्दू कर सकते नहीं बात करेगा, बस तुम लोग आज एक से ऑल दिस ट्रेडिशन रेस्टोरेंट इन बहरीन हाजी कैफे एंड टुडे वी इनकरेज ऑल people to go back to the old days and come with those nice dishes, the traditional ones. This place makes it a bit unique. We have so many fresh things. Plus, management is family and we're looking after our work. Enjoy your food. फूड यहाँ पे वाकई में बहुत अच्छा था और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर बहरीन आप विज़िट कर रहे हैं या वैसे अपने फैमिली किसी मेंबर की तरफ आए हैं, आपको मौका मिलता है यहाँ पे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करने का, तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। हमने पे किए हैं तकरीबन, मुझे हाशिर भाई बता रहे हैं, 7-7.5 दिनार, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं $20 के आसपास बनता है। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जी बाब अल बहरीन, पीछे आप शायद देख रहे होंगे ये 1949 में बना था और एक्चुअली ये वो जगह होती थी जहाँ पे इनकी इमिग्रेशन वगैरह होती थी। बिल्कुल इसके सामने वाला, अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह हैं, लेकिन पहले यहाँ पे आगे बोट्स वगैरह डॉक होती थी, तो पीछे वाला जो सारा एरिया था वो समंदर था। तो आहिस्ता आहिस्ता समंदर से, क्योंकि ये आइलैंड है तो बहुत सारी आइलैंड कंट्री ने समंदर से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ज़मीन लेना जो है वो स्टार्ट की थी। तो बहरीन ने भी एक बहुत बड़ा पार्ट, जो जितना भी आप वो इनकी स्काईलाइन वाला एरिया देखते हैं ना, वो सारा का सारा पहले जो है वो समंदर हुआ करता था। तो अभी हम जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अंदर से मानामा सूख है, तो थोड़ा सा मैं आपको जो है ना कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो बंद हैं। यहाँ का सूख छोटा सूख का कदरे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बड़े ट्रेडिशनल अरेबिक स्टाइल में इसको जो बनाया गया है, और आपको लगता है कि कुछ अर्सा पहले ही इसको रेनोवेट किया है। आशिर भाई कब किया था इन्होंने ये? आज से भी 10 साल, 10 साल पहले। तो अभी आपको यहाँ पे जो मोस्टली शॉप्स नज़र आएंगे, कुछ में आपको जिस तरह मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया कि वो जो ट्रेडिशनल अरेबिक घरों में लैंप्स वगैरह और मोस्टली जो है ना इम्पोर्टेड है, उसके अलावा यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो ज्वेलर्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक आर्ट वर्क ज़रूर नज़र आएगा जो मैंने किसी और सूख में अभी तक नहीं देखा। ये लोहे की छोटी छोटी सी चेन्स उन्होंने बनाई हैं और उनके नीचे जो है वो पैर लगा हुआ है। तो आशिर भाई बता रहे हैं कि यहाँ की जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो था पर्ल, लोग समंदर से इकट्ठा करके लाते थे। तो शायद उसी आर्ट वर्क को जो है ना उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की, दिखाने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से भी जो है ना आहिस्ता से हम सूख से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक है नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे जो है वो सेकेंड टाइम आते हैं। हम लोग जी फाइनली जो है बहरीन फोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप देखें कि एक आपको बड़ा यूनिक सा व्यू पॉइंट नज़र आता है। तो हम पूछते हैं आशिर भाई से, आशिर भाई थोड़ा सा बताएं ज़रा। तो बहरीन फोर्ट का एक और भी नाम है, पोर्चुगीज़ फोर्ट के नाम से भी मशहूर है, और वो ये था कि जब पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर कॉलोनाइज़ किया था इस रीजन को, तो उन्होंने एक काफ़ी बड़ा इधर जो है वो फोर्ट बनाया। आप जो सामने देख रहे हैं बेसिकली ये आर्टिफिशियल माउंट्स थे,
और जब एक्सकेवेशन का काम शुरू हुआ यहाँ पर तो इन्होंने 7 layers यहाँ पे इनको पता चली कि देर आर 7 layers ऑफ डिफरेंट जनरेशन जो यहाँ पर आके रही हैं और जो डीपेस्ट लेयर है वो उसकी हिस्ट्री तकरीबन 5,000 साल पीछे जाती है। तो और बहरीन का नाम जो है उसके बारे में आप तो बता रहे थे पहले। बहरीन का जो मतलब है बहर इसका मतलब है समंदर और बहरीन जो है इसका मतलब है दो समंदर यानी स्वीट वाटर भी और सॉल्ट वाटर भी। तो इससे पहले आपने कुछ शॉट्स लिए यहाँ पर जी, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्वीट वाटर जो है वो भी है और सॉल्ट वाटर जो है तो इसका कॉम्बिनेशन जो है इसको बहरीन कहते हैं। ये जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है और यहाँ से अगर आप देखें तो पीछे आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल जो स्काई स्क्रेपर्स आपको सारी नज़र आ रही हैं और दूसरा इधर जो है वो हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन जिस तरह यहाँ पे सिटी जो है वो बनी थी। दूसरी साइड पे आप देखें तो बिल्कुल जो है वो इधर समंदर नज़र आ रहा है और बैक साइड पर अगर मैं लेके जाऊँ तो आपको कुछ जो है वो पाम ट्रीज़ और खजूरों के दरख्त वगैरह नज़र आएंगे। तो इधर आगे बंदे को आइडिया होता है कि किस तरह जो पुराना हिस्टोरिकल सिटी है उससे ले कर जो एक आपका सफ़र है ना मॉडर्न लाइफ की तरफ वो यहाँ से आप बहुत अच्छी तरह जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं देख सकते हैं। और इस जगह को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है इसको जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है उन्होंने वही उसी तरह जहाँ पे भी उन्होंने रेनोवेशन किया कि उसको बहुत ज़्यादा जो वो रेनोवेट नहीं किया। हम लोग जी तकरीबन कोई 10 मिनट की ड्राइव करने के बाद बहरीन फोर्ट से एक जगह पे पहुंचे हैं जो एक यहाँ का आई थिंक सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है उसका नाम है जी सिटी सेंटर। बहरीन अपने शॉपिंग मॉल्स की वजह से मशहूर है क्योंकि जितना से छोटा सा एरिया है ये बड़ा कंजस्टेड है और इस एरिया में जितने आपको शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे कहते हैं कि दुनिया में किसी और जगह पर इतने एरिए में आपको नज़र नहीं आएंगे। और उसकी एक रीज़न आप अभी नवंबर का महीना है यहाँ पे बाहर हम गए थे इतनी गर्मी थी कि बंदा वहाँ पे ज़्यादा देर जो वो खड़ा नहीं हो सकता तो इमेजिन कर लें कि समर के मंथ्स में यहाँ पे क्या हाल होता होगा। इसलिए मोस्टली लोग जो हैं अगर उन्होंने सोशलाइज़ करना हो किसी जगह बैठ के कॉफ़ी पीनी हो या शॉपिंग करनी हो तो उनका मकसद ये होता है कि आप शॉपिंग मॉल की तरफ चले जाएँ क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह की आपको मिल जाती है। और अभी हम एक्चुअली जिस जगह पे आए हैं आगे बैठे हैं आप कह सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने कल्चर को इस शॉपिंग मॉल में ब्लेंड किया है एक बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा सा सेक्शन बना हुआ है जिसे सूक कहते हैं यहाँ पे इसी मॉल के अंदर और उसको उन्होंने उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ अपनी हिस्ट्री को कंबाइन करते हैं अपने कल्चर को करते हैं तो वन ऑफ आप कह सकते हैं कि मेरी फेवरेट जगह है। तो बहुत शुक्रिया हाशिर भाई का जो हमें जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ पे आप नोटिस करें उन्होंने रेड कलर जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट से यूज़ किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह हम पीते हैं और उसके बाद थोड़े से और एरियाज़ जो हमें नज़र आते हैं यहाँ पर मॉल में या मॉल से बाहर वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। बहरीन की जो सबसे बड़ी मस्जिद है इसे कहते हैं जी अल-फातेह ग्रैंड मस्जिद तो 1987 में बनी थी और ये जुफैर के एरिया में है। यहाँ पे जब आप मस्जिद के अंदर इंटर होते हैं तो अभी आप मेरे पीछे जो है ये देख रहे हैं कि एक बड़ा सारा हॉल है लेकिन जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन पहले पड़ता है वो पड़ता है जी इसकी डोम का क्योंकि एक तो वो हाइट में बहुत ऊंची है बहुत कम मस्जिद है जहाँ पे मैंने इस तरह की जो है वो डोम देखी है। और जब मस्जिद बनी थी तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइबर ग्लास की जो डोम है तो डोम उन्होंने
फाइबर ग्लास की बनाई हुई है, और उसके साइडों पे आप देखें तो बड़ी खूबसूरत सी जो है वो खिड़कियाँ आपको नज़र आएंगी, जो शीशे वगैरह लगे हुए ये ईरानी स्टाइल में लग रहे हैं और आए भी जो है वो ईरान से हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मस्जिद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लेके आए गए हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि डोम से नीचे जो वो शैंडलियर लगा हुआ है बहुत खूबसूरत है, ये ऑस्ट्रिया से आया है, और इसी शैंडलियर के आप साइडों पे देखें तो ये हैंड ब्लोन ग्लास के जो है वो अंदर जो है उन्होंने लाइट वगैरह लगाई हुई, और ये जो है ये फ्रांस से आया हुआ है। इस कारपेट पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये कारपेट जो है वो आयरलैंड से मंगवाया गया है। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत जो है वो ग्रे और हल्का सा जिस तरह ब्राउन कलर का जो है मार्बल यूज़ किया गया, और ये मार्बल इटली से आया। लकड़ी का यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है वो आप देखें तो वो जो है वो इंडिया से आया है। तो बहुत सारे मुल्कों से जहाँ जहाँ से इन्हें लगा कि इस मस्जिद को खूबसूरत बनाने के लिए हम चीज़ें लेके आ सकते हैं वो लाई गई, और अभी आप यहाँ पर आते हैं तो क्योंकि ये मस्जिद ना सिर्फ यहाँ की जामिया मस्जिद है बल्कि यहाँ के जो रिलीजियस एजुकेशन का सेंटर है बहरीन का, तो आई थिंक यहाँ पे अभी भी टूर वगैरह दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम जब यहाँ पे विज़िट करते हैं अक्सर मस्जिद में आपको जाते हैं आपको कुछ बताया नहीं जाता इस्लाम के बारे में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर टूर दे के उनको गाइड किया जाता है, उनके क्वेश्चंस का जो है ना जवाब दिया जाता है, मुझे एक पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगी है। एक चीज़ जो मुझे बहरीन की बहुत अच्छी लगी है वो जिस तरह आप यहाँ की मॉडर्न और जो इनका कल्चर और हिस्ट्री है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जैसे मैं बहरीन फोर्ट पे गया था, और सिमिलरली अभी मैं एक जगह पे आऊँ ये है जी रॉयल कैमल फार्म, ये विजिटर के लिए उन्होंने ओपन किया। एक्चुअली ये यहाँ के जो रॉयल फैमिली है ये उन्हीं का कैमल फार्म बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ब्रीड्स के कैमल वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी जो है कैमल फार्म एक्चुअली विज़िट नहीं किया, तो काफ़ी एक होता है ना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मैं यही सोच रहा होता था कि शायद वो एक ही तरह के कैमल हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो है ना यहाँ पे आपको ब्रीड्स आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया मैंने कि बड़े फ्रेंडली हैं, थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है हम जैसे बंदे, क्योंकि मैंने कभी यहाँ पे इस तरह के फॉर्म विज़िट नहीं किए, तो अभी कोशिश करते हैं देखते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ें आ रही हैं मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन हाशिर भाई ने जो है ना वो ट्राई किया, तो कोई वो आपके पास आते हैं आप उनके साथ जो है ना वो खेल सकते हैं, तो अक्सर लोग जो है ना फैमिलीज़ वगैरह लेके यहाँ पर आते हैं। बहरीन की तकरीबन कोई 60% के करीब शिया पॉपुलेशन है, और हम अभी जिस एरिया में आए हैं यहाँ पे इस एरिया को कहते हैं जी अल अली, और इधर जो है वो मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी के, लेकिन ये एरिया जिस वजह से मशहूर है वो है यहाँ पे जो इनकी ट्रेडिशनल स्टाइल में उसी तरह जो है वो पोट्री बनाते हैं, और आपको अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारखाने नज़र आए हैं जहाँ पे इसी तरह बना रहे हैं, और इंटर होते ही जो है ना वो साइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, और साइड पर जो प्रॉपर एरिया उसी तरह को उन्होंने रखा हुआ है। और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप जब आते हैं तो आपको लगता है कि जो वो ये इन्होंने अपनी जो हिस्ट्री और कल्चर जो है ना उसको जितने अच्छी तरह से ये लोग प्रिजर्व कर सकते हैं ये कर रहे हैं, और साथ में इन कारखानों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा लोकल्स और टूरिस्ट जो है ना वो यहाँ पे आते हैं आके पोटरी बनाना सीखते हैं, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी छोटी छोटी सी उनको ना दी, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने विज़िट किए वहाँ पे टूरिस्ट जो है ना वो बनाना सीख रहे थे। तभी हम अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा सा जो है ना वो जिस तरह बना रहे हैं वो दिखाते हैं, और पीछे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया का थोड़ा सा जो है वो एक ओवरव्यू।
यहाँ पे जी मेरे सामने बैठे हैं गुलजार अहमद साहब और जिशान भाई हैं, गुजरात से हैं, यहाँ पे ये पोटरी का काम कर रहे हैं। मैं एक दो सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ भाईजान से। और उन्होंने एक तो ये हमारे सामने जनाबी अभी बनाई है जी, क्या चीज़ पैसे रखने, अच्छा वही ना गल्ला डा बनाया उन्होंने जी। तो गुलजार भाई मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ये जो आप बना रहे होते हैं ये कौन खरीदता है, अभी भी लोग खरीदते हैं यहाँ पे? ये पहले बहरीनी लोग जो हैं वही आकर खरीदते हैं। अच्छा। कुछ बाहर के मुल्क जो लोग इधर रहते हैं वो भी आकर खरीदते हैं। अच्छा अच्छा। और जो बाहर के मुल्क से आते हैं विजिट करने के लिए वो भी खरीदते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलने से तो ये जो आप ये क्या चीज़ बना रहे हैं? ये फ्लावर है। अच्छा, तो इसके ये कितने का बिकता है? अच्छा, डेकोरेशन, डेकोरेशन चाहे इसमें गुलदस्ते भी रख लें। अच्छा, चाहे वैसे अलमारी में रख लें। ठीक है। चाहे बच्चों को भी लेकर दे दें, ये सब चलता है, अपनी मर्जी से है। जो भी आदमी खरीदना चाहे जो उसको पसंद आ जाए, कुछ लोग हैं अपनी मर्जी से बनवा कर ले जाते हैं। ठीक है। गिफ्ट करने के लिए भी बस सब कुछ चलता है। अच्छा, तो इसके कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे जब ये खरीदने जाए? ये कुछ चीज 5 रुपए की है, कुछ 1 दिनार, 5 दिनार की बात कर रहे हैं ना, दिनार की भी है, कुछ 10 दिनार की भी है। जिस हिसाब का बर्तन होगा, ठीक है, अगर उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगता है तो ज्यादा उसका प्राइस होगा। जी जी। जिसके ऊपर टाइम कम लगता है उसका प्राइस भी कम होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। बनवाते हैं जी जी, उसकी कीमत ज्यादा होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया गुलजार भाई। जैसे ही आप आबादी से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि चारों तरफ आपको ऑयल और गैस के जो है वो कुएं नज़र आएंगे। जगह जगह पे जो है वो छोटे छोटे से जो है ना वेल्स बने हुए हैं जहाँ से अभी भी जो है वो निकाला जा रहा है, क्योंकि ये ऑयल रिच कंट्री है। और मुझे हाशिर भाई बता रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ की ज़मीन जो है वो नीचे है, कुछ इस तरह ही है। बिल्कुल, जो ज़मीन का लेवल है बहरीन का वो नीचे है। जी जी। अगर आप कंपेयर करें सऊदी अरेबिया से और दूसरे गल्फ कंट्री से, तो नेचुरली जो है बहरीन के पास ज़्यादा ऑयल है, तो उनका तेल जो है इनके पास आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मुआहदे वगैरह किए हैं कि आप एक लिमिट तक निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे आपको मेरे ख्याल में हमने हार्डली 20 किलोमीटर राइड की होगी। हाँ, तो पूरा जो एरिया जो है वो ऑयल रिच है। लेकिन इस डेज़र्ट में आप देखेंगे जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं एक दरख्त है, और पीछे किसी जगह पे आपको कुछ गार्डन्स वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन वो मैन मेड गार्डन्स हैं। ये वो जगह है जो कहते हैं कि 400 साल पुराना दरख्त है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका वाटर सोर्स के बारे में नहीं पता। और चारों तरफ आप देखें तो एक्चुअली आपको जो है वो तेल ही नज़र आता है, तो पता नहीं यहाँ पर वाटर जो है इसको कैसे मिल रहा है। लेकिन बहुत बड़ा दरख्त है और अभी भी आप देखें तो ग्रीन है टोटल। जी हाँ। तो ये इस डेजर्ट में कहते हैं कि वाहिद दरख्त है जो 400 साल से अभी तक जो है वो ज़िंदा है, तो इसलिए इसका नाम भी जो है एक्चुअली ट्री ऑफ लाइफ रखा गया है। तो ये एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो भी यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, ना सिर्फ देसी बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉरनर्स भी आए हुए हैं। कुछ लोग एक्चुअली यहाँ पे आई एम नॉट श्योर किस वजह से, कोई इनका बिलीफ है कि पानी वगैरह ला के जो है वो दरख्त की चारों तरफ जो है वो फेंकते हैं। तो ये हमारे सामने जो है ना आप देख सकते हैं कि मिनरल वाटर दिया जा रहा है ट्री को। जैसा कि आपको पता है कि बहरीन एक आइलैंड है और इसके चारों तरफ जो है वो अरेबियन गल्फ़ है। अरेबियन गल्फ़ के जहाँ जहाँ पे मैंने बीचेस विज़िट किए हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ पे अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ, इस जगह को कहते हैं जी जज़ायर बीच, इंतहाई खूबसूरत है। और इस जगह पे आप आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खूबसूरत आपको
बीच जो है वो यहाँ पे मिलेगा, और जिस तरह इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, इसकी एंट्रेंस फ़ीस लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन वही फ़ीस आप यहाँ पे किसी कैफ़े में या बार्स में जाके यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेस्टर्न भी आए हुए हैं, फॉरेनर जो टूरिस्ट हैं, दूसरे लोकल्स हैं, तो थोड़े से जो है ना उन्होंने एरियाज़ वगैरह बनाए हुए हैं कि जहाँ पर आप बैठ के आराम से जो है वो सनसेट इन्जॉय कर सकते हैं। और अभी हमारे सामने जो है वो सनसेट हो रहा है, और हम स्पेशली जो है ये प्लान करके आए थे कि आज सनसेट जो है ना हमने इसी जगह पे इंजॉय करना है। और पानी का कलर आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा, और यहाँ पे आप देखें जी कि पानी कितना साफ़ है, आप नीचे तक जो है वो हर चीज़ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका पानी है। ऑनेस्टली ऐसी शाम और ऐसा सनसेट जो है ना, उसने पूरे दिन की जो होता है ना थकावट, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और थकावट तो हो जाती है, लेकिन कमाल, आई हैव लिटरली नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन क्या इतना खूबसूरत सनसेट जो है एंजॉय करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब से मैं मिडिल ईस्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ, और इवन के तुर्की वगैरह में था जब मैं, तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेट सर्विसेज हैं जो यहाँ पे आप फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो उनको विदाउट VPN यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता। जब आप ट्रैवलर होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, जो ईरान में नहीं चलती, यहाँ पे बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते। तो मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ सर्फशार्क, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूं। और इवन अगर आप देखें तो मेरे मोबाइल पे अभी भी कनेक्टेड है, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा, आजकल 85% जो है वो सेल चल रही है, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको 3 मंथ्स जो है वो फ्री मिलेगा, तो चेक कीजिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। खाना खाने के लिए जी हम लोग आए हैं तुर्किश रेस्टोरेंट माधो, तो आपने बहुत सारी जगहों पे से इसकी ब्रांचेस देखी होंगी। फिर दानियाल साहब बैठे हैं और इधर जनाब हाशिर भाई बैठे हैं, हमारे फूड एक्सपर्ट जो हैं। तो हाशिर भाई ज़रा बताएं लोगों को कि हमारे सामने क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो हम एपेटाइज़र से शुरू करते हैं। हाँ जी, आधे खा लिए। हाँ, एपेटाइज़र की मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी खा चुके हैं, अभी जो है ना आप खाली पड़ी हैं। मुतब्बल, हमारा लबना, तो ये सब जो है यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स में है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मिक्स ग्रिल है, कबाब और शीश ताऊक आप देख सकते हैं। ये है जी इस्तांबुल का स्पेशल कबाब, ठीक है, जो कि योगर्ट के साथ सर्व होता है। और यहाँ पे आपके पास है जी सेल्टिक कबाब, सेल्टिक एक एरिया तुर्की में, तो ये उनका जो है ना फेमस की फेमस डिश है। यहाँ पे जो कुछ ट्रेडिशनल इनकी सेलिब्रेशन चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा वहाँ पे लेट पहुँचे, जब पहुँचे तो ऑलमोस्ट उन्होंने बंद कर दिया, अदरवाइज़ आपको वो कैप्चर करके दिखाते जिस तरह यहाँ पे अरेबिक स्टाइल में जो है बहरीन में सेलिब्रेशन चलती है। एनीवे, अभी हमारे साथ हैं जी, पीछे हैं दानियाल साहब हैं, और इधर हैं हाशिर भाई, जिन्होंने ये पूरा जो टूर है मुझे बहरीन का कराया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर। हाशिर भाई की कंपनी है एयर होम ट्रेवल्स के नाम से, तो मुझे इन्होंने जितना भी आप देख सकते हैं ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। और अगर थोड़ा सा बता दें कि क्या वीज़ाज वगैरह और वीज़ा और बहरीन की टूरिज्म या सऊदी अरेबिया की टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी जी जी हो, तो
उसके सारे डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको जो है डिटेल्स वगैरह हम डाल देंगे, अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो तो ज़रूर कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड। हम आए यहाँ पे एक्चुअली चाय पीने के लिए, मुझे इन्होंने बताया यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है कड़क चाय पीने का, हमारी कड़क चाय किधर की, और ये मोस्टली हमारे जो केरला से भाई आए हुए हैं ये मोस्टली उनका बिजनेस ऐसे ही, हम अपनी चाय पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप कह दें जी लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन, लाइक सब्सक्राइब और शेयर।